Hello everyone, this is Raj sir and today I will discuss histology of alimentary canal. So what is alimentary canal? So alimentary canal start from mouth and terminate into anus. मतलब मुंह से लेकर एनस तक की कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. जैसा कि मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ. ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट इनटू एनस. ओके, तो ये स्टार्टिंग माउथ से हुई और टर्मिनेट कहाँ होगी? एनस तक. तो उस कैनाल को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल. ओके, ये इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल. एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग फोर लेयर. जब हम इसको बाहर साइड से देखेंगे अंदर की तरफ, तो यह चार लेयर की बनी हुई होती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ सिरोशा, सेकंड मस्कुलरिस, थर्ड सबम्यूकोशा एंड फोर्थ म्यूकोशा. ओके, मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, ये डायग्राम देखिए. हाँ, तो सबसे पहली जो लेयर आपको दिख रही है ये आउटर साइड से, तो यह क्या है? सिरोशा है. सेकंड, उसके बाद आपको दिख रही है मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस, लेकिन इसमें दो है. इनर साइड को हम सर्कुलर बोलेंगे और जो आउटर साइड है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे. फिर थर्ड लेयर है सबम्यूकोशा और फोर्थ लेयर इस म्यूकोशा. ओके, अब देखेंगे सिरोशा. तो सिरोशा, ओके, सिरोशा इज द आउटर मोस्ट लेयर, इज अ मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एंड एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो सिरोसा आउटर मोस्टर लेयर होती है जो थिन मेसोथेलियम द्वारा बनी हुई होती है, और थिन मेसोथेलियम एक तरह का एपिथेलियम ही होता है, और विसरल ऑर्गन को हम इंटरनल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेकेंड है मस्कुलरिस. सेकेंड है मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस के बारे में आप जान ही चुके हैं कि मस्कुलरिस फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू टू लेयर ऑफ मसल्स फाइबर. इनर मसल्स लेयर को सर्कुलर कहते हैं और आउटर मसल्स लेयर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं. एन ऑब्लिक लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजंस. मतलब इसके कुछ रीजन में, यहाँ सम रीजन का मीन्स है स्टमक रीजन में, तो स्टमक रीजन में ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है. ओके, फिर थर्ड इज सब म्यूकोशल लेयर. ओके, तो थर्ड क्या है? सब म्यूकोशल लेयर. तो सब म्यूकोशल लेयर इज अ फॉर्म लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. ओके, तो यह लूज कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बनी हुई होती है जो कंटेन की रहती है नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स को, और ड्यूडेनम में देखे इन ड्यूडेनम रीजंस ग्लैंड ऑल सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोशा. ओके, तो सबम्यूकोशा में ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं. फिर फोर्थ लेयर आती है म्यूकोशा. तो म्यूकोशा इज अ इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स सीक्रेट म्यूकस टू लुब्रिकेट द इनर लाइनिंग ऑफ गट. ओके, जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए. ओके, फिर उसके बाद आता है लास्ट ल्यूमेन, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको ल्यूमेन. ओके, तो ल्यूमेन क्या होता है कि ल्यूमेन इज अ हॉलो पैसेज वे या खोखला मार्ग होता है, एंड जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता रहता है, या एक खोखला मार्ग होता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता रहता है, और ईच टाइप ऑफ वेसल्स हैज अ ल्यूमेन. ओके, एंड आई होप लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू.